उज्जैन जिले की खाचरोद जनपद की पंचायतों में सरपंच और पंच के उपचुनाव होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद खाचरोद की 130 जनपद की पंचायतों में रिक्त रह गए सरपंच व पंच पदों के लिए उपचुनाव प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होना है। जानकारी के अनुसार 89 पंचायतों में पंचों के 446 पदों के लिए कोई नाम निर्देशन नहीं भर पाए थे, जिससे यह सीटें रिक्त रह गई थी। अब इन सीटों के लिए उपचुनाव प्रक्रिया की जाएगी। 15 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे से निर्वाचन सूचना का प्रकाशन के साथ नाम निर्देशन पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। सीटों के आरक्षण के संबंध में एवं मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित होगी। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा यानी जांच 23 दिसंबर को और नाम वापस लेने के 26 दिसंबर के दोपहर 3 बजे तक हो सकेगी। चुनाव चिन्ह आवंटन 26 दिसंबर को नाम वापसी प्रक्रिया के बाद होगा। 5 जनवरी को मतदान होगा, इसके बाद गिनती होगी। वहीं पिपलिया डाबी, गड़ी भेसोला और डाबरी ग्राम में सरपंच के उपचुनाव होंगे। जनपद पंचायत खाचरोद में कुल 446 पंचों के वार्ड रिक्त हैं, जिन पर उपचुनाव होना है। साथ ही 3 ग्राम पंचायत पिपलिया डाबी और डाबरी में जो सरपंच का पद जहां पर आरक्षित था, उस आरक्षण के कारण मतदाता नहीं मिलने के कारण वहां पर चुनाव को अपवर्जित किया गया है कलेक्टर महोदय द्वारा। अतः वहां निर्वाचन हो रहा है और एक ग्राम पंचायत भेसोला है जहां पर सरपंच साहब की मृत्यु हो जाने के कारण वहां पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। इस तरह कुल 446 पंचों के हेतु 89 ग्राम पंचायतों में पद रिक्त हैं, किसी में एक है और किसी में अधिक हैं। इन सभी रिक्त पदों के लिए निर्वाचन होना है। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार दिनांक 15/12 से हम आवेदन लेना शुरू करेंगे, वो जो 22 तक चलेगा। 22 के बाद में 23 को जांच की जाएगी और 26 तक नाम वापसी होगी और 26 को ही हमारा चुनाव चिन्ह आवंटन हो जाएगा। आवश्यक जहां हुआ वहां 5 जनवरी को मतदान होगा। ये कुल कार्यक्रम है।